मुझे इस बात का पूरा ख्याल है नायब भाई कि अभी हमारे बाद दो बैन अवी सतह के शायर और ख़तीब जनाब राजपुरी साहब जनाब अब मैं लिखूँगा नाम लूँगा नायब हजरत साहब मौजूद है मैं कुछ बस दो बंदों एक चर्चा से समाज सुना नहीं भाई कि ज़ैनब ज़बान हैदर सफदर का नाम है नहीं अब इसमें ज़ैनब ज़बान हैदर सफदर का नाम है ज़ैनब शऊर व फ़िक्र के पैकर का नाम है ज़ैनब रज़ा व सब्र के जौहर का नाम है और ज़ैनब ही सोगवार 72 का नाम है होशियार ऐ कलम की सना भी उसी की है बेटी है जो अली की नवासी नबी की है बेटी है जो अली की नवासी नबी की है और इस कायनात में नहीं ज़ैनब तेरा जवाब जहरा के बाद सानी जहरा तेरा खिताब जालिम को तूने कर दिया इस तरह बेनकाब ढलने दिया नदी ने मोहम्मद का आफ्ताब धुंधला गया तो सब्र के दरिया में धो दिया लेकिन यजीदियत का सफीना डुबो दिया धुंधला गया तो सब्र के दरिया में धो दिया लेकिन यजीदियत का सफीना डुबो दिया। चार शेर मुझसे कहा गया पढ़ने के लिए मैं पढ़ाऊँ मसाहिब इसी हवाले से बस मेरे भाई मसाहिब के बच्चा तीन चार शेर उनसे कहा जा रहा है ये पढ़ने के लिए जी शायद दी सकीना ने सदा दश्त में बाबा बाबा जल्द आओ के जला जाता है खैमा बाबा मैं वतन जाऊंगी मिलने के लिए दादी से इन मजालिमों से अगर बच गई जिंदा बाबा वैसे उम्मीद नहीं है कि मैं जी पाऊंगी इस कदर शिमर का पड़ता है तमाचा बाबा जा भी पड़ते हैं तमाचे मेरे रुखसारों पर मेरे अम्मू का तड़प जा ताहला शाबा